अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएसए और मैं हूं शायद सदरीन। नजर डालते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। अमेरिका कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिर मुल्क। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी शहरियों को मास्क पहनने का हुक्म देने से इनकार कर दिया। अवाम को मास्क पहनने का हुक्म नहीं दूंगा, अवाम को ज़ाती आज़ादी होनी चाहिए। अमेरिका की तारीख में सिविल राइट्स तहरीक के अहम रुकन जॉन लुइस 80 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए, कैंसर की बीमारी में मुब्तला थे। अमेरिका के साबिक सदर बराक ओबामा, स्पीकर नैन्सी पेलोसी समेत अहम शख्सियात का इजहार अफसोस। ईरान में कोरोना वायरस की वबा। ईरान के सदर हसन रूहानी कहते हैं 2.5 करोड़ ईरानी शहरी कोरोना वायरस से मुतासिर हुए, मजीद 3.5 करोड़ अफराद के मुतासिर होने का खदशा है। कराची पुलिस का भारतीय खुफिया एजेंसी से ताल्लुक रखने वाले 6 मुबैना दहशतगर्दों को गिरफ्तार करने का दावा। बलूचिस्तान में आर्मी FC एहलकारों और उनकी पोस्टरों पर हमलों में मुलविस हैं। केती हेडलाइंस, अब खबरें तफसील के साथ। Will you consider a national mandate that people need to wear masks? No, I want people to have a certain freedom. Hey, Dr. Fauci said don't wear a mask. Our Surgeon General, terrific guy, said don't wear a mask. Everybody was saying don't wear a mask. All of a sudden, everybody's got to wear a mask. And as you know, masks cause problems. अमेरिका में कोरोना वायरस की वबा। अमेरिका दुनिया भर में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासर मुल्क है। अमेरिका में कोरोना वायरस की केसेस की तादाद में दिन ब दिन इजाफा सामने आ रहा है। वहीं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं अवाम को मास्क पहनने का हुक्म नहीं देंगे। फॉक्स न्यूज को दिए गए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा मास्क को लाजमी बनाए जाने के हक में नहीं, लोगों को कुछ आज़ादी मिलनी चाहिए, मगर मेरा ज़ाती ख्याल है मास्क पहनना चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़िश्ता हफ्ते मिलिट्री हॉस्पिटल के दौरे पर पहली बार मास्क पहना था, अमरीकी मीडिया में नुमाया रहे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को मास्क न पहनने पर काफी तनकीद का सामना रहा है। दूसरी जानिब अमरीका के मशहूर साइंसदान और व्हाइट हाउस कोरोना टास्क फोर्स के सरबरा डॉक्टर एंथोनी फाउची अमरीका में कोरोना वायरस की वबा से बचने के लिए अवाम को मुसलसल एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और मास्क पहनने का मशवरा देते आ रहे हैं। And that is universal wearing of masks. During the 1960s, when Dr. Martin Luther King Jr. had emerged as the undisputed leader of the civil rights movement, many of us as young people, as students, were deeply inspired. We started attending nonviolent workshops where we studied the way of peace, the way of love, the way of nonviolence. Before going on a sit-in, sitting down at a lunch counter, or standing in at a theater, or participating in a march, we study. We became trained to be orderly, to be peaceful, not to fight, but to stand up, and to speak out for what we believe in. अमेरिका में सिविल राइट्स तहरीक के अहम शख्सियत और आइकॉन माने जाने वाले जॉन लुइस 80 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए, वो कैंसर की बीमारी में मुब्तला थे। अमेरिकी कांग्रेस के रुकन रहे। लुइस अमेरिका में सिविल राइट्स तहरीक के एक नुमाया रुकन माने जाते थे। इनका नाम मार्टिन लूथर किंग जूनियर के साथ सामने आता रहा है। डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर के तारीखी मार्च में हिस्सा लिया था। इन्हें जिद्दोजहद मार्च के दौरान उन्होंने हिम्मत न हारी और अपनी तहरीक जारी रखी। जॉन लुइस एक मजबूत, निडर और एक बेबाक इंसान थे। जॉन ने अपनी सारी जिंदगी सिविल राइट्स हुकूक के लिए आवाज बुलंद की। स्याह फार्म रहनुमा जॉन लुइस अमरीकी कांग्रेस के रुकन रहे। जॉन लुइस के इंतकाल पर अमरीका की कई अहम शख्सियात ने इजहार अफसोस किया है। साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा ने जॉन लुइस के इंतकाल पर खराज अकीदत पेश किया। बराक ओबामा का कहना है कि जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस के हाथों हलाकत के बाद अमरीका में अब एक नई नस्ल आज़ादी और मसावात के हुसूल के लिए खड़ी है। ये लुइस के लिए बाइस एहसास है।
अमरीकी ऐवानी नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने जॉन लुइस की वफात पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। लुइस शहरी हकूक के एक ऐसे ताकतवर लीडर थे। जॉन लुइस ने अपनी सारी जिंदगी इंसाफ जिद्दोजहद में सर्व कर दी। You'd be sitting there in an orderly, peaceful, non-violent fashion, waiting to be served at a lunch counter. During the march from Selma to Montgomery, when we were marching for the right to vote, for the right of all of our citizens to become participants in the democratic process, I was beaten on the Edmund Pettus Bridge crossing the Alabama River in Selma. I had a concussion on the bridge. I thought I saw death. I thought I was going to die. But somehow, in some way, I live to see the Voting Rights Act pass and see President Johnson sign it into law. I've seen friends of mine, people that I knew, killed. I knew the family of the four little girls that were killed in the church in Birmingham. But through it all, I never became bitter or hostile. And today, all these many years later, I don't have any hate or ill feeling toward any of the people that beat us, had us arrested, and jailed us, or the people who threw the bomb or fired the shots. I still believe in a society where we can live together as brothers and sisters. ईरान में कोरोना वायरस की वबा जारी है। वहीं ईरान के सदर हसन रूहानी ने अपने एक ताज़ा बयान में इंकशाफ किया है कि ईरान में 2.5 करोड़ से ज़ायद ईरानी शहरी कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुके हैं। हसन रूहानी ने वहीं खदशा जाहिर किया है कि ईरान में मजीद 3.5 करोड़ अफराद के कोरोना वायरस से मुतासिर होने का खदशा है। हमारे अंदाजे के मुताबिक अब तक 2.5 करोड़ ईरानी इस वायरस से मुतासिर हो चुके हैं। ईरान में अब तक 14,000 से ज़ायद शहरी कोरोना वायरस के बायस हलाक हो चुके हैं। ईरान के मुख्तलिफ अस्पतालों में अब तक 2 लाख से ज्यादा अफराद का इलाज किया जा चुका है। ईरान मशरक वस्ता में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासर मुल्क बन गया है। ईरान में कोरोना वायरस की वबा जारी है। कोरोना लॉकडाउन के बायस ईरान की मईशत शदीद मुतासर है। इंडियन हमायत याफ्ता कालदम अलहदगी पसंद तंजीम ब्रास BRAS से वाबस्ता 6 खतरनाक दहशतगर्द गिरफ्तार हुए। मैं आपको एक पस मंजर देना चाहता हूँ जो कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे हमला हुआ था, उसके पस मंजर देके आपको फिर इसकी बताता हूँ कि मोरखा 23/11/2018 को चाइनीज काउंसलेट पर दहशतगर्दाना हमले का मास्टरमाइंड असलम उर्फ अच्छू जो कि अफगानिस्तान में मारा गया और बशीर जैब जो कि BLA का कमांडर बना है, ये हमला अफगानिस्तान में प्लान किया गया था। लेकिन इनके तमाम सहूलतकारों और दहशतगर्दों को हसास इदारों और पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब दोबारा उसी दहशतगर्द तंजीम ने पाकिस्तान में स्टॉक एक्सचेंज को निशाना बनाया और उसकी प्लानिंग भी उसी दहशतगर्द कमांडर बशीर जैब ने की, लेकिन पुलिस और रेंजर्स की बरवक्त कार्रवाई ने सिर्फ 8 मिनटों में वो चारों दहशतगर्द जो है वो मारे गए थे। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात में इजाफा सामने आ रहा है। वहीं कराची पुलिस ने भारतीय खुफिया एजेंसी से ताल्लुक रखने वाले 6 मुबैना दहशतगर्दों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हुई सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस SSP फिदा हुसैन ने बताया कि कराची में दहशतगर्दी की बड़ी मनसूबाबंदी नाकाम बना दी गई। मुश्तबा दहशतगर्द बलूचिस्तान में FC एहलकारों और उनकी पोस्टरों पर हमलों में मुलविस हैं। गिरफ्तार मुलजिमान बड़े मंसूबे के इरादे से कराची आए थे। इनका ताल्लुक कालदम दहशतगर्द तंजीम BRAS से है। SSP पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि मुलजिमान से इंडियन एजेंसी रॉ के मुलविस होने के सबूत मिले हैं। असलाह धमाका का इस मवाद भी बरामद किया गया है। गैर मुल्की एजेंसियों बिलखसूस इंडियन एजेंसी रॉ, इंडिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है दहशतगर्द इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के मुलविस होने के वाज़ह शवाहिद मिले हैं कि ये गैर मुल्की एजेंसियां मुल्की सालमियत को खतरे में डालने
और अदम इस्तेहकाम पैदा करने के लिए अपनी आला पसंद तंजीमों के जरिए फैलाने और दहशतगर्दी के इकदाम करने और मुल्क की अहम तनसीबात को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इनके जरिए हसास इदारों, कानून नाफिज करने वाले इदारों, फ्रंटियर कांस्टेबलरी, लेवीज, पुलिस और आर्मी पर हमलों और अहम तनसीबात और अदारों को दहशतगर्दी का निशाना बनाना मकसूद है। ये थी अब तक की अहम खबरें। खबरों का मजीद अहवाल और मजीद प्रोग्राम्स देखने के लिए देखते रहिए देसी टीवी यूएसए। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब पेज। लाइक और फॉलो करने के लिए विजिट कीजिए हमारा फेसबुक पेज। हमारा फेसबुक पेज है देसी टीवी यूएसए। कीप वॉचिंग देसी टीवी यूएसए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए। कोरोना वायरस से बचने का वाहिद हल सामाजिक दूरी है। घर पर रहिए, महफूज रहिए। देखते रहिए देसी टीवी यूएसए।